देवप्रयाग माँ गंगा का उद्गम स्थल, यहीं से माँ गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आप रघुनाथ मंदिर भी जो है देवप्रयाग के पास यहाँ पे देखेंगे। ये टेहरी डैम से, तो इसकी आवाज आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं किस तरह की है। लेकिन गंगा नाम जो पड़ा हो यहीं से पड़ा, गंगा सागर तक चलेगा ये जो है उनके। इसी के साथ साथ आपको देवप्रयाग संगम में दो कुंड दिखाई देंगे। अलकनंदा नदी की तरफ ये ब्रह्मकुंड है हमारा, और दूसरी तरफ हमारी भागीरथी नदी जहाँ हमारा वशिष्ठ कुंड है। तो सामने आप दोनों कुंड यहाँ पे देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आज एक नई वीडियो में। भारत के 54 प्रयागों में से एक और उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक प्रसिद्ध देवप्रयाग संगम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे टूरिस्ट भी काफी यहाँ पे संगम के लिए देखने आते हैं। जब आप संगम में जाओगे तो इस तरह के प्यारे नजारे आपको दिखेंगे। संगम की तरफ इस तरह से जो हमारी भागीरथी नदी आती है टेहरी डैम से, तो इसकी आवाज आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं किस तरह से ये बहुत तेज जो है आवाज करते हुए यहाँ पे बहती है। तो स्थानीय भाषा में जो हमारी जो आसपास की यहाँ की लैंग्वेज में इस नदी को हम यहाँ पे सास नाम से बुलाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे काफ़ी तेज जो है इसका साउंड रहता है यहाँ पे, और ये आगे जाती है संगम की ओर। तो इस तरह से भागीरथी नदी का शोर आपने सुन लिया है। इस तरह से यहाँ पे आप इस पुल से जो है पार करके संगम की तरफ हम लोग जाते हैं। तो सामने ये रास्ता आप यहाँ पे पुल का देख सकते हैं। फाइनली पुल से भी आप लोग यहाँ से पूरे देवप्रयाग का ये नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ से, और सामने जो है हमारा संगम है यहाँ पे। देवभूमि का प्रसिद्ध और सबसे नज़दीक का संगम अगर हम ऋषिकेश हरिद्वार से बात करें तो काफ़ी विदेशी लोग भी जो हैं यहाँ माँ गंगा के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से आप देवप्रयाग पुल पे ये दृश्य भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग इस माँ गंगा के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से काफ़ी प्यारी प्यारी गलियों से आपको होते हुए देवप्रयाग संगम के लिए इस तरह से रास्ता बना हुआ है। आसपास आप दुकानें इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी पुराना ये रास्ता यहाँ पे माना जाता है। इसी के साथ साथ देवप्रयाग संगम के लिए इस तरह से प्रवेश द्वार है जहाँ से आपने संगम के लिए प्रस्थान करना है। और साथ जैसे ही आप लोग देवप्रयाग संगम से मुख्य द्वार से जैसे ही नीचे आप उतरोगे तो ये पूरा जो है देवप्रयाग संगम का इस तरह से चारों तरफ के नज़ारा आपको इस तरह से दिखाई देगा। और इस तरह से यहाँ पर जो अलग भागीरथी नदी आती है हमारे, तो इस नदी की भी साउंड आपको यहाँ पे सुनाई देगा। तो देख सकते हैं सामने आप लोग यहाँ पे पुल भी देख सकते हैं, और इस तरह से काफ़ी प्यारी प्यारी जो है कलाकारी यहाँ चारों तरफ जो है बनाई हुई है। तो ये पेंटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं महादेव की हमारी, ठीक है। ये पूरा नज़ारा जो है हमारा देवप्रयाग संगम का इस टाइम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में जो है श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत जो है यहाँ पे भीड़ है संगम में। तो ये और इस तरह से देवप्रयाग संगम का काफ़ी प्यारा ये नज़ारा इस तरह से यहाँ पे रहता है, देख सकते हैं आप लोग। और फाइनली जब से हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो तब से देवप्रयाग संगम को काफ़ी प्यारा जो है अच्छे तरह से सजा दिया गया है। इस तरह से आप संगम पे काफ़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है श्रद्धालु की भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। जैसे ही हमारे चार धाम ओपन हो जाते हैं तो उस टाइम जो आपको यहाँ पर बहुत ही मात्रा में जो है श्रद्धालु देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आप इस तरह से पुल का भी निर्माण यहाँ पे सामने देख सकते हैं, अभी चल रहा है यहाँ पे। और ये प्यारी प्यारी मछलियां अलकनंदा नदी में आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, और ये खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं देवप्रयाग संगम का किस तरह से अभी भीड़ जो है बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे अलकनंदा नदी के पास ब्रह्मकुंड दिखाई देता है, और इस तरह से लोग यहाँ पे माँ गंगा का जल लेके यहाँ से भी जो है अपने घरों को लेके जाते हैं। तो संगम के पास ही आपको अलकनंदा नदी की तरफ यहाँ पे ब्रह्मकुंड दिखाई देता है, और भागीरथी नदी की तरफ आपको वशिष्ठ कुंड दिखाई देगा। तो ये प्यारा सा नज़ारा जो है ब्रह्मकुंड का यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसी के साथ साथ देवप्रयाग संगम की मान्यता है कि यहाँ पे जो है देव शर्मा ऋषि नाम के एक बहुत ही बड़े तपस्वी हुआ करते थे, और उन्हीं के नाम पर इस तरह से देवप्रयाग यहाँ पे नाम पड़ा है। इसी के साथ साथ देवप्रयाग में संगम के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं रघुनाथ जी के मंदिर की तरफ। और रघुनाथ मंदिर जब आप जाओगे तो रास्ते में इस तरह से काफ़ी प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ आपको रास्ते में दिखाई देगी। तो इस तरह से हम पहुँच जा रहे हैं अभी रघुनाथ मंदिर। तो इस तरह से सीढ़ियाँ आप रघुनाथ मंदिर जी के देख सकते हैं, और प्यारा सा मंदिर जो है रघुनाथ जी का। इस मंदिर की भी अपने आप में काफी जो है मान्यता रहती है। तो ये रघुनाथ मंदिर का दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो जैसे ही दोस्तों आप रघुनाथ मंदिर में पहुंचोगे तो ये प्यारा सा दृश्य आपको रघुनाथ मंदिर का दिखाई देगा। यहीं आपको नरसिंह देवता का मंदिर भी मिलेगा, शिवालय भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यही से गंगा नाम, इसका नाम गंगा है, धारा, ये धारा का नाम है गंगा। बाकी तो भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलागिरी, एक करोड़ नदी है, लेकिन गंगा नाम जो पड़ा हो यही से पड़ा, गंगा सागर तक चले गए। ये जो है उनके गुरुजी ने कहा कि तुमको अच्छा लगे राम जी को, आप गंगा जहाँ पर पड़ते। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कहते हैं तो यही कहते हैं कि यहीं पे जो है राम जी ने तपस्या की थी ब्रह्महत्या को मुक्ति पाने के लिए। रावण का वध करने के पश्चात जो है उस चीज़ का पश्चाताप करने के लिए भगवान राम यहीं पे उन्होंने तपस्या की थी। तो इस तरह से दोस्तों ये थी कथा पूरे हमारे रघुनाथ मंदिर की और देवप्रयाग संगम की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।